प्रत्याशी ने नामांकन किया। आप लोगों ने इस बार एक बहुत सब्जी बेचने वाले फैमिली से ले आए हैं कैंडिडेट को ढूंढ के। हमारे बड़ा समय लग गया और आखिरी दौर में ले आए। देश के पूज्य प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आज उस दिए गए सिद्धांत वाक को धरातल पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आप जैसा जानते हैं कि विजय राजभर जो पार्टी के प्रति डिवोटेड समर्पित एक जमीन का कार्यकर्ता जिसको भाजपा ने अवसर दिया है, आज सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। किस पार्टी से आपकी लड़ाई रहेगी? किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम जीत रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद विजय राजभर जी के साथ है, हम जीतेंगे, ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। घोसी विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज नामांकन है और अंतिम दौर में है, तो क्या कुछ और किस तरीके की तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठनात्मक तैयारी पूरा कर लिया है। हमारी सभी बूथ इकाइयों का गठन है, सेक्टर स्तर पर हमारे संगठन का आधार है, बूथ स्तर पर आधार है और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा संख्या भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक गांव में है। समाज के सभी वर्गों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को सदैव मिलता रहता। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नेता माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष गृहमंत्री माननीय अमित शाह के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी के नेतृत्व में शानदार मतों से हम ये चुनाव जीते। इस बार प्रभारी बनाया गया है, क्या लग रहा है चुनाव में कठिनाइयां हैं या चुनाव आसानी से जीत सकते हैं? चुनाव का सिस्टम पूरा हो गया है। आज नामांकन के बाद, क्योंकि उम्मीदवार हमारे अभी कल आए हैं, एक योग्य उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार और एक गरीब के बेटे को, सब्जी बेचने वाले के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को महत्व दिया है और हमारे जो अन्य लोग टिकट मांग रहे थे वो सब आज उसे सहयोग दिए हैं, समर्थन दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। तो सबके सहयोग से और मोदी जी का जो करिश्मा है, जो गरीबों के कल्याण का उन्होंने कार्यक्रम चलाया है, पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो गरीबों के कल्याण का कार्यक्रम चलाया है, तो समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए विजय राजभर घोसी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अच्छी बढ़त से चुनाव जीते। इस चुनाव में आपका प्रतिद्वंदी पार्टी कौन होगी? अब तो सपा बसपा का गठबंधन भी टूट गया। समय मुझे लगता है कोई लड़ाई नहीं, वो दोनों एक दूसरे को क्रम दो के लिए लड़ेंगे। जीत भारतीय जनता पार्टी की पक्की। धन्यवाद। आज नामांकन है और घोसी विधानसभा के उपचुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके की तैयारी इस बार जो है आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जिस घोसी की जनता ने माननीय फागू चौहान को एक बार या छह बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा, उस फागू चौहान को हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी जी, ये जो बिहार जैसे बड़े प्रदेश का गवर्नर बना देने के बाद उसी दिन से घोसी की जनता इंतजार कर रही है कि जो घोसी के हमारे नेतृत्व करने वाले फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बना करके जो सम्मान दिया है, उस सम्मान का बदला घोसी की जनता विजय राजभर को चुनाव जिता करके माननीय मोदी और योगी के नेतृत्व में भेजने का काम करेंगे। सब्जी बेचने वाले परिवार के बच्चों को आप लोगों ने इस बार राजनीति में चुना है, तो क्या माना जाए इसके पीछे, किस तरीके का संदेश बीजेपी देना चाह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री इसके उदाहरण है कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं गाँव का रहने वाला गरीब का बेटा, आज जब लोगों के आशीर्वाद से जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मऊ की जनता इतनी संवेदनशील है कि सब्जी बेचने वाले बेटे को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेज करके उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेगी। भारत माता की। राजनीतिक गठबंधन टूट गए हैं सपा बसपा के, बहुत सारे इस बार समीकरण अलग अलग हो गए हैं, तो क्या माना जाए? देखिए, आपने आज तो गठबंधन टूटा है, जब गठबंधन था लोगों को उसके बाद भी मोदी जी के नेतृत्व में देश की पार्लियामेंट को 64 लोकसभा जीत के हम लोग पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के 325 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। किसी के गठबंधन होने न होने का भारतीय जनता पार्टी के कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे देश से प्रदेश की जनता आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में साथ खड़ी है।
घोसी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो अभी भी कह रही है विकास नहीं हुआ, जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चीनी मिल हुआ और वहाँ पे जो लगाए गए थे कारखाने वो बंद हो गए। आज मुझे खुशी है कि जब मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर कार्यक्रम में, इसके बाद कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने खुद नोटिस लिया प्रमुख सचिव और मंत्री से कि घोसी के विकास के लिए, घोसी के चीन मिल के विस्तार के लिए, उसके रेनोवेशन के लिए जो कुछ हो सकता है जल्दी कराने का काम करें। मुझे पूरा भरोसा है हमारे मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है तो निश्चित रूप से घोसी चीन मिल का उद्धार जरूर हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे खाने सिंगल है, हटे हटे हटा है हटा है हटा ले सिंगल आईडी हमारे बोले नेता लाइन में थे तो किस तरह से देखते हैं और इस विश्वास को कितना आप